एवरीवन, वेलकम टू द शमास रेसिपी। आज हम बनाएंगे मैंगो नारियल बर्फ़ी। खाने में बहुत टेस्टी होती है, बहुत ही जायकेदार होती है। मैंगो का सीज़न है तो क्यों ना मैंगो की बर्फ़ी बनाई जाए। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं मैंगो की बर्फ़ी। मैंगो की बर्फ़ी बनाने के लिए मैंने मैंगो ले लिए हैं। ये वज़न में 500 ग्राम है। अरारोट पाउडर ले लिया है मैंने 2 टेबलस्पून। 1 कप चीनी ले ली है मैंने। 1.5 कप मैंने ये नारियल का चूरा ले लिया है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं आम और नारियल की बर्फ़ी। आम नारियल की बर्फ़ी बनाने के लिए पहले हम आम को छीलकर और उसका पल्प निकालेंगे। छील लेते हैं आम को। आम की बर्फ़ी बनाने के लिए आपको बस रेशे वाले आम नहीं लेने हैं, अदरवाइज़ आप कोई से भी आम ले सकते हैं। बस आम मीठा होना चाहिए। वैसे सबसे बेस्ट आम बर्फ़ी के लिए सफ़ेदा और ये दशहरी है। मैंने सफ़ेदा लिया है, आप चाहें तो दशहरी भी ले सकते हैं। बस रेशे वाला ना हो कोई भी आम। इसे पूरा छील लेंगे और काट लेंगे हम सही से। आम को रफली चॉप कर लिया है हमने, काट लिया है, पल्प निकाल दिया है, गुठलियाँ फेंक दी हैं इसकी। अब हम आम को पीसेंगे। आम को पीसने के लिए हमने ये मिक्सिंग जार ले लिया है। इसमें अपने आम डालते हैं, साथ में डालेंगे कॉर्न अपना ये अरारोट पाउडर। आप चाहें तो इसकी जगह काजू का भी पाउडर ले सकते हैं। साथ ही डालेंगे इसमें चीनी, थोड़ी थोड़ी करके डालेंगे। चलिए डाल देते हैं, क्या चीज़ है, पीसते हैं इन सबको। मैंगो को पीस लिया है हमने, ये देखिए। चलिए अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। हमने यहाँ पे एक कढ़ाई ले ली है गैस पर और फ्लेम ऑन कर दिया है। अब हम डालेंगे इसमें अपनी प्यूरी, मैंगो प्यूरी। अच्छे से डालेंगे इसे और इसे लगातार चलाएंगे मीडियम टू हाई फ्लेम पे, जब तक इसका कलर चेंज ना हो जाए। इसे लगातार ही चलाना है आपने, ये समझ लीजिए। अगर आपने नहीं चलाया तो नीचे से आम लगना स्टार्ट हो जाएगा, आपकी बर्फ़ी बनने से पहले ही ख़राब हो जाएगी। चलाएंगे इसे लगातार कलर बदलने तक, जब तक आम हमारे अच्छे से पक रहे हैं। तब तक हम ये थोड़े से ड्राई फ्रूट ले लिए हैं हमने। 3-4 काजू हैं, 4-5 बादाम हैं। इन्हें काट कर बारीक बारीक इनके टुकड़े कर लेते हैं। हमारे आम का कलर चेंज होने लग गया है, लेकिन हमें आम ट्रांसपेरेंट करना है थोड़ा, इसलिए हम इसे 5 मिनट और पकाएंगे। बीच बीच में से चलाते भी रहना है, ये ध्यान रहे, बस लगना नहीं चाहिए हमारा आम। चलाएंगे इसे बहुत अच्छे तरीके से। आम हो चुके हैं लगभग हमारे, देखिए ट्रांसपेरेंट होने लगे हैं, देखिए। अब हम इसमें मिलाएंगे अपना नारियल का चूरा, मिलाएंगे इसे अच्छे से। बर्फी की कंसिस्टेंसी जब तक नहीं बनती, तब तक हम इस नारियल के चूरे को और आम को लगातार चलाएंगे। बहुत ही अच्छी मिठाई है, बहुत अच्छी बर्फ़ी बनकर तैयार होती है, बहुत ही पसंद आती है ज़्यादातर लोगों को। अगर आप मैंगो लवर हैं, यकीनन आपको ये मिठाई ज़रूर पसंद आने वाली है। चलाते हैं इसे, अब थोड़ा सा मेहनत का काम ज़्यादा है। चलाते हैं इसे, ये देखिए
हमारी आम की बर्फी अब जमने की कंसिस्टेंसी में आ गई है। जब आप आम की मिश्रण को ऐसे उठाएंगे तो आपका नीचे का हिस्सा बिल्कुल क्लियर आ रहा है और यही एक बर्फी की कंसिस्टेंसी की पहचान है। बंद कर देते हैं गैस के फ्लेम को। आम की बर्फी जमाने के लिए मैंने ये प्लेट ले ली है, इस पर एक दो ड्रॉप में घी की डालूंगी। ग्रीसिंग करेंगे इसकी अच्छी से इस प्लेट की ताकि हमारी बर्फी आराम से निकल जाए। डालेंगे हम अपने बर्फी का मिश्रण इसमें। फैलाएंगे इसे अच्छे से। ये चम्मच के पीछे मैंने घी लगा लिया है, इसे दबा दबा कर हम अपनी बर्फी फैलाएंगे। इजी फैल जाएगी इजीली। देखिए ये अच्छी तरीके से फैल गई है हमारी बर्फी। इस बर्फी के ऊपर डालेंगे हम अपने ड्राई फ्रूट। थोड़े से ड्राई फ्रूट आप अपने मन मुताबिक ले सकते हैं, पिस्ता, काजू, बादाम, खरबूजे के बीज, वॉट एवर यू वॉन्ट। अच्छे से प्रेस कर देते हैं इसी स्पून से, हम अच्छे से बैठ जाएंगे। हमारे ड्राई फ्रूट्स अंदर हमारी हो गई है। इसे हम जमने के लिए रख देते हैं, एक घंटे बाद इसको देखते हैं। हमारी बर्फी रेडी है, कट करेंगे इसे हम। एक घंटा हो चुका है हमारी। बर्फी को ऐसे करेंगे, बहुत ही यमी बर्फी बनके रेडी हुई है। सीरियसली खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। ट्रे में निकालते हैं इसे। हमारी आम और नारियल की बर्फी खाने के लिए बिल्कुल रेडी है। बहुत ही डिलीशियस रेसिपी बनी है, बहुत ही अच्छा डेजर्ट है, बहुत इजी बन जाता है। कोई इसमें ज़्यादा आपको हाथ पर मारने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, बहुत इजीली बन गया है, बहुत टेस्टी भी बन गया है। बस थोड़ा सा ध्यान रखना है, आम आपको मीठे लेने हैं। अगर आपके आम मीठे कम हैं तो चीनी की क्वान्टिटी बढ़ा दें। अगर आपका मिश्रण जब ट्रांसपेरेंट हो गया है, आम ट्रांसपेरेंट हो गया है बनाते वक्त, और आपने उसमें नारियल का बुरादा डाल दिया और आपको लगा कि हमारा अभी भी मिश्रण जो है वो बहुत पतला है, तो थोड़ा सा नारियल का बुरादा आप और डाल दें। बाकी सब बहुत अच्छा है इसमें। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो पर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।